नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज के शुरुआत देखिए हमने के आज मूर्ति जी चाउर में ढक तो सब जानी मिल के चाउर उतनी सब अपना गांव में दो तीन बोरा चाउर उला जाइए अपना टोला पर अभी गाँव में दूसर ग्रुप घूमा था। पूजा चालू है और परिक्रमा भी चालू है। आप देखिए कितना मेहनत हो रहा है विकास भैया साहब जी और देखिए पतल उठा रहे हैं। जय हो। आज देखिए खड़ा बालू पतल उठा में गल खराब लगता है। मुकेश भैया संदीप भैया विकास भैया मेहनत कर रहा है। यहाँ पे रखा गया है ताकि आज चाउर से सारे मूर्ति को तोपा जाएगा। पहले से मूर्ति जी को पानी में डाल रखे थे हम लोग, उसके बाद से निकाल कर और देखिए निकालने के लिए सारे लोग थप्पी बजा रहा है और निकाल कर उसके बाद से चाउर में डलाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं निकालते हुए मूर्ति जी को और सारे लोग स्वागत कर रहे हैं और गोल लाग रहे हैं। गोल लाकर मूर्ति जी को निकालेंगे और देख सकते हैं आप लोग सारे लोग अंदर घुस गए हैं मूर्ति को निकालने के लिए। और सुमित जी देखिए अंदर डूब डूब के मूर्ति जी को निकाल रहे थे, अभी डूबेगा फिर से डूब गया और फिर से एक मूर्ति निकालेगा। और मैं धनु और मंटू भी मिलकर देखिए शिवलिंग को निकालेंगे। एक दो तीन डूब गए मैं भी और जय हो शिवलिंग जी, शंकर भगवान आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग को हम लोग निकाल दिए और देख सकते हैं हल्ला पीछे कितना हो रहा है। जय श्री राम। और देखिए कितना सारे मूर्ति जी को आराम आराम से हम लोग निकाल रहे हैं और आप लोग देखिए कितना मजा आ रहा है और बहुत ही मजा ले रहे थे लोग। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ दुर्गा जी को निकालने में क्योंकि दुर्गा जी का मूर्ति कम से कम 5-6 क्विंटल का था, इसीलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। फिर भी सारे लड़के एकदम मेहनत और लगन से लाकर और दुर्गा जी को गोल लाकर और निकाल ही दिए। और देखिए आपको कितना लोग अभी हनुमान जी को लाओ जी निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी भी, ये सारी मूर्ति 24 घंटा पानी में रखा गया था। आप लोग देखिए अब आ गया दुर्गा जी को निकालने की बारी। और देखिए सारे लोग गुट बनाकर क्योंकि वहीं पे दुर्गा जी थे और गुट बनाकर कितना भी प्रयास कर रहे थे फिर भी नहीं निकल पा रहे थे दुर्गा जी। देखिए सारे लोग एक एक करके दिमाग लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं कैसे निकलेंगी दुर्गा जी। और देखिए चरण पादुका था, चरण पादुका निकाल दिया है सुनीत डूब कर। और देखिए सारे लोग बात कर रहे हैं कि कैसे निकाला जाए कैसे निकाला जाए। और देखिए अपने में डिस्कस हो रहा है कि क्या किया जाए। और देखिए एक बार सारे लोग मिलकर फिर से जोर लगाएंगे और जय हो जयकारा मनाएंगे। और लास्ट में आपको दिखाते हैं कि सब आप लोग वीडियो देख सकते हैं एकदम सब लोग जोर लगा रहे हैं और इस बार मूर्ति जी एकदम निकल ही जाएंगी। जय हो। और फाइनली थोड़ा सा निकल गई है और आप लोग देख सकते हैं और जय हो एकदम जोर लगा रहे हैं सब लोग। देखिए आप लोग सब लोग जोर लगा रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं सारे लोग मिलकर और मूर्ति जी कुछ निकल गई हैं और सारे लोग एकदम पूरा फुल प्रयास कर रहे थे। और देखिए कितना निकल गया और मूर्ति जी बहुत ज़्यादा भारी थी कम से कम 5-6 क्विंटल और ग्रिप नहीं बन पा रहा था कि हम लोग पकड़ पाए क्योंकि हाथ और मुकुट को नहीं पकड़ना था नहीं तो। फाइनली मूर्ति जी निकल ही गई देखिए कितना कड़ी मेहनत के बाद। और इसके बाद से निकालने के बाद से हम लोग इनको वो चाउर में ढकेंगे ले जाकर। और देखिए सारे लोग कड़ी मेहनत के बाद से निकाल ही रहे हैं और विपिन जब बोल रहे थे कि उधर से लाओ बट यहीं से हम लोग निकाले और सारे लोग मेहनत किया और एकदम मैं भी इधर से चढ़ा और आप लोग देख सकते हैं सारे लोग कितना मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए। और एकदम जोर लगाइए और जय हो। देखिए जूम कर दिया है यहाँ पे कमरे में और जोर लगा के और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हम लोग को निकालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सारे मूर्ति जी को निकाल कर शंकर भगवान को और शंकर भगवान के पूरे परिवार को हनुमान जी को और दुर्गा जी को निकाल कर छठ पे रखा गया है। और छठ पे रख के उसके बाद से हम लोग इसको इन लोगों को उठा कर चौकी पे रख के उठा कर ले जाएंगे और चाउर में इनको डुबाया जाएगा आज के दिन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चाउर में ढकने के लिए हम लोग बना दिए हैं प्लाई से घेर कर और ईटा से। और पीछे जो नया जो मंदिर बन रहा है उसी का दीवार था और इसमें हम लोग अब चाउर डालेंगे। आइए आपको दिखाते हैं चाउर डालते हुए। हालांकि चाउर डालते हुए पंडित जी मना कर दिए कि वीडियो ना ही बनाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं वीडियो नहीं बनाया। अंत में वीडियो चाउर ढक के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मंटू जी एक बोरा चावल अथी पे उठा लिए हैं और लेके आ रहे हैं ढकने के लिए। सब लोग आ रहे हैं, इतना भीड़ भी लगा है। संदीप जी भी मंटू जी के देखा देखिए एक बोरा चावल लेके आ रहे हैं। धनु को भी देखिए। देखिए विकास जी भी पूरा
विकास भैया एक बड़ा चावल लेके आ गए हैं वहाँ से, कि यहाँ पे पूरा जजमान लोग आ गए हैं, जजमान लोग चल दिए हैं धीरे धीरे। अब पूजा का प्रक्रिया चालू होगा और यहाँ पे अन्न इसमें पूरा डाला जाएगा और मूर्ति के ऊपर लगभग 4 फीट है मूर्ति जी का। आप देख सकते हैं पूरा मूर्ति अन्न से ढक चुका है, चावल चावल ही हो गया है पूरा, और अब आरती हो रहा है, सारे लोग आरती में लग गए हैं। अब देखिए खाने आ गए हैं हम सब लोग, लगभग 11:50-12 बज रहा है। हाँ मंटू भैया, छोटू, मुकेश भैया, धीरेन्द्र भैया, मुना चा जी को पानी में से निकाल कर चावल में डुबा के आ रहा है। और देखिए वो लोग सब कुछ हो गया, खाना वाना खा के हम लोग जा रहे हैं घर, और जा रहे हैं थोड़ा सा नहा क्या है क्योंकि भीज गए थे मूर्ति निकाल। देखिए ये दोनों 6 घंटा से परिक्रमा कर रहे हैं, देख सकते हैं आरती चालू है, ढोलक झाल आ गया है और बाबा आरती चालू कर दिया है, सारे जजमान लोग खड़े हुए हैं परिक्रमा कर रहे हैं, और शिल्पी दी और एक खुशी सिंह जो कि 6 घंटा का आप लोग वीडियो में देख सकते हैं वही जा रहे हैं, 6 घंटा का संकल्प लिया परिक्रमा करने का। और भंडारा के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं बाजा और सब लोग तैयार हो गए हैं और मंच तैयार हो रहा है, और बाबा ये हैं पंडित जी। बिना पूजा के प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम नहीं चले होता, जब तक पूजा कराते हैं ये पंडित जी हैं उसके बाद से ही कुछ होता है। आज हम लोग डीजे चेंज कर दिए हैं, दूसरा डीजे आया है नया डीजे, क्योंकि वो डीजे वाले अच्छे से नहीं बजा पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम चालू होने वाला है, लगभग चालू हो गया है और चालू हो गया प्रोग्राम। और आप लोग प्रोग्राम सुन सकते हैं कितना अच्छा है, गेस्ट के लिए व्यवस्था है इधर, जो भी वीआईपी आएंगे इधर बैठेंगे, और इधर भंडारा चल रहा है, यहाँ पे लिफाफा में पैसा पैक हो रहा है देने के लिए सम्मान में, और यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग सब लोग बैठ के सुन रहे हैं। देखिए जितना भी युवा दल है सब लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, एकदम फुल एंजॉय कर रहा है, और अभी आएगा झांकी आपको दिखाते हैं। भंडारा सारा खत्म हो गया था, तब तक डीजे वाले भाई खाना नहीं खाए थे, तो सब्जी बचा है और चावल और दाल भी बचा है, चावल नहीं बचा है, तो हम लोग सोचे कि ये पूरी छान ले और पूरी छान कर दे दे। आप लोग देख सकते हैं रात को 12:41 हो रहा है, मतलब 1 बज रहा है, तब तक लड़के परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रण लिए हैं कि 6 या 8 घंटा परिक्रमा करेंगे, शायद 2 बजे उनका पूरा होगा। और ये देखिए, और ये समिति के लोग ये कैसा प्रण कर रहे हैं, ये कैसा प्रण है जी, खाने का फेरा बनाते हैं। ये समिति के लोग 12:41 जो कि रात हो रहा है, फिर भी खाने के लिए नहीं भूले और खाना नहीं भूले, 12:41 में खाना खा रहे हैं। बोलास बोलास हेलीकॉप्टर मंत्री भैया कहेंगे बोलास गोपाल मंदिर में रुकिए जल्दी आटिये। ये नाटक होता है मंटू में, बोलास गोपाल मंदिर में, गोपाल मंदिर में लड़की ऐसा ना आ जाए, माइक में ऐसे मना करा दिया जाता है माइक में ना बोलास। देखी गणेश भगवान आ गए, फिर हम ये खाए, गणेश भगवान एक रोग उठा दिल वैसे 1 बजे रात का खाए का थी। मूर्ति टांगल बा एथी में गड़ा में से ओ कता ना छुए ना छुए सन ले काईले चौकी पर उतारे के त न खेले उतारा ना छुए ना छुए तोर बन ऊपर से खिचाई ना हम चढ़वी नीचे से ना छुए ना छुए तो बीपी 1 बजे आती का आकाश में बैठ गया, ये केई में नचाता सो 2 बजे राती का।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय श्री राम।